अक्टूबर महीने को पिंक अक्टूबर या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी बोला जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस अगर देखा जाए तो ये सारे कैंसर्स में ऑलमोस्ट 14% कैंसर्स कॉरस्पॉन्ड्स टू ब्रेस्ट कैंसर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है इन फीमेल्स। जो फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है सर्वाइकल कैंसर। कमिंग टू ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है, तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें कि पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है लाइफस्टाइल। आजकल लोगों के लाइफस्टाइल के डाइट की वजह से एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन या एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, ये सब के कारण ब्रेस्ट कैंसर का चांसेस आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरे रिस्क फैक्टर्स में जो आता है वो है लेट से शादी होनी और बच्चों को लेट से बच्चे होना, जिसमें बच्चों को दूध ना पिलाना या फिर ब्रेस्ट फीड से आजकल लड़कियां मना करती हैं, उनकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और बाकी जो अदर फैक्टर्स आते हैं उसमें है जिनकी घर में पहले से जो फीमेल्स हैं जिनको कभी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनमें ये रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि ये और भी प्रोन हो जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो कमिंग टू नाउ, अब कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर कैसे हमें पता लगेगा कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, तो उसमें सबसे पहला सिम्टम होता है जिसमें कि अगर आपके ब्रेस्ट के साइज में कुछ रिसेंटली आपने चेंज नोटिस किया है, ब्रेस्ट में पेन होना या फिर निप्पल से कुछ डिस्चार्ज होना, ब्लड आना या फिर और भी कहीं अपने बॉडी में ब्रेस्ट में कोई गांठ का महसूस होना, जो ये रेगुलर चेकअप जो हर फीमेल अपने आप को कर सकती हैं और एक्चुअली उनको हर हमेशा मंथली ये अपना रेगुलर चेकअप, खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, वो उन्हें रेगुलरली करना चाहिए। अब इनमें जो मोस्ट प्रोन फॉर ब्रेस्ट कैंसर होती हैं वो होती हैं फीमेल्स जो कि मोस्टली 40 इयर्स के अबव होती हैं, जिन्हें अपना सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली बेसिस पे रेगुलरली करना चाहिए, और अगर हो सके तो ईयरली या सेकेंड ईयरली मैमोग्राम होता है वो करवाना चाहिए। अगर वो रेगुलर स्क्रीनिंग में डिटेक्ट कर लेती हैं तो आज के डेट में ब्रेस्ट कैंसर का इलाज काफ़ी ज़्यादा संभव है, और अगर जितनी अर्ली डिटेक्ट किया जाए तो हो सकता है कि स्तन को और ब्रेस्ट को बचाने की भी काफ़ी उपाय किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में इतनी जानलेवा बीमारी नहीं रह चुकी है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ आज के डेट में है, जिसमें कि हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बहुत सारी सर्जरीज, ये सब सारे आज के डेट में मेडिकल एडवांसेस में पॉसिबल हैं। तो जो मेन फैक्टर है जो आपका ये सक्सेस सर्वाइवल रेट जो डिनोट करता है वो है अर्ली डिटेक्शन। जितनी जल्दी आप अपने बीमारी को डिटेक्ट कर लेते हैं उतनी ही जल्दी आपका इलाज और ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अर्ली डिटेक्शन पे हो सकता है कि आपका ब्रेस्ट स्पेयर हो जाए और ज़्यादा स्प्रेड ना हो बॉडी में, एंड सर्वाइवल रेट इज मच मोर ग्रेटर देन फ्रॉम अदर कैंसर्स। सो तो आज के डेट में सर्वाइवल ब्रेस्ट कैंसर से काफ़ी ज़्यादा संभव है, एंड अर्ली डिटेक्शन इज द अल्टीमेट थिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर।